स्वास्थ्य अधिक खराब होने पर दिल्ली से सटे गुड़गांव के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराए गए समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालात सोमवार सुबह भी गंभीर बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक रात को डायलिसिस करने के बाद भी सोमवार सुबह मुलायम सिंह यादव की हालात में कोई सुधार नहीं आया। उनकी हालत पहले की तरह ही गंभीर बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम रख रही स्वास्थ्य पर नजर। रविवार से ही मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है, जहां पर डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखी हुई है। सोमवार रात को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उनकी डायलिसिस भी की गई। बताया जा रहा है कि संक्रमण पूरे शरीर में फैलने की वजह से डायलिसिस की गई है। पोती आदिति ने ट्वीट कर लोगों से कहा मंगल काम न करें। इस बीच अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव ने मेदांता में इलाज के दौरान की तस्वीर जारी की है। इसके साथ ही लोगों से अनुरोध किया है कि वे दादाजी के अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वर से मंगल कामना करें। इस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हैं। यतीन मेहता की टीम कर रही इलाज। रविवार देर रात समाजवादी पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालात फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उनका डायलिसिस किया गया। रविवार रात 10 बजे से शुरू हुई डायलिसिस सोमवार सुबह तक चली। मुलायम सिंह यादव का इलाज यतीन मेहता मेदांता की टीम कर रही है। वह क्रिटिकल केयर यूनिट के निदेशक है। कई दिन से भर्ती मुलायम का इलाज अब तक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सूद की टीम कर रही थी। वहीं आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से बातचीत की और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से फोन पर वार्ता की और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुशल क्षेम पूछा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनको जल्द स्वस्थ लाभ प्रदान करे। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों से वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के उत्कृष्ट इलाज मुहैया कराने हेतु कहा। वहीं आपको ये भी देखना चाहिए, मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव ने बताया परिवार के सभी लोग दिल्ली है उनके पास पहुंच गए हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कही जा रही है वो तो कही जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य जब बिगड़ा है उसके बाद में अभयराम यादव जी चिंतित बने हुए हैं। लगातार सुधार है और कौन कौन परिवार के लोग वहाँ पहुँच गए? सब पहुँच गया, अखिलेश पहुँच गए, शिवपाल पहुँचे जाते हैं और वहाँ सब बने हुए हैं काफी। अच्छा, परिवार के सारे लोग लगभग वहाँ है? लगभग है, थोड़े जाऊंगे और वही है सब। देखिये वही आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की ओर से भी जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उनके हालात गंभीर बने हुए हैं। इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे गुरुग्राम स्थित अस्पताल के बाहर न जमा हो। सपा नेता मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी देती रहेगी।